शेखर कलि पावन अवतार श्री सीताराम चरणाम पूजी छंचरीक गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरित मानस के प्रथम सोपान बालकांड में नाम महिमा के संदर्भ में अपनी भावाभिव्यक्ति विभिन्न पंक्तियों के माध्यम से करते हैं, उसमें यह एक पंक्ति है। नाम गरीब अनेक निवाजे। पहले तो श्री तुलसीदास जी महाराज ने यह शब्द अपनी सहजता के कारण चुना, सरल साधुता के कारण चुना है। भाषा के कारण हमारे बीच में भेदपूर्ण जो दुर्व्यवहार है उसका जन्म क्यों हो। हाँ, अपनी अपनी निष्ठा में रहना ठीक है, पर भाषा को ही आधार बनाकर जहां भाषा दिल जोड़ने वाली होनी चाहिए और वहां भाषा से ही दल बनने लगे तब तो कठिनाई है, और एक दल हो तो दल और कई दल हो तो दल दल, फिर उस दल दल से निकलना मुश्किल। तो मुझे लगता है कि श्री तुलसीदास जी महाराज ने वे मान्य महामति मानव थे, सब जाति लगी उनको कुल सी, तुलसी दल में दल ही दल है पर दूर रहे दल से तुलसी। तुलसी दल में दल ही दल है पर दूर रहे दल से तुलसी। और यह भी कहना होगा आज भाषा के नाम पर आग्रह के कारण समाज टूट रहा है। आज देश में दलबंदी का मचा बड़ा दलदल है और सबसे मुक्ति दिलाने वाला अपना तुलसी दल है। तुलसीदास जी महाराज सबसे चुन लेते हैं शब्द, उन्हें गरीब निवाज शब्द अच्छा लगा, बस अच्छा लगा। अच्छा, और एक बात और भी है, कोई किसी को गरीब निवाज के रूप में देखता हो पर तुलसीदास जी किसे देखते हैं? मिल जाते हैं। हाँ, कोई गरीब पुकारे
सरलता से मिल जाते हैं। अच्छा, सरलता से मिल जाए तो सामर्थ्य भी तो होनी चाहिए। लोग कहते भाई आप कहो तब मिल जाए, पर हम कर कुछ नहीं सकते, तो फिर मिलने से लाभ ही क्या हुआ। मिलने के लिए तैयार, चाहे जब आ जाओ, हम मिलने के लिए तैयार, हम आ जाएंगे मिलने के लिए, पर हम कर कुछ नहीं सकते। पर राम जी सरल सबल सामर्थ्य भी है। और एक शब्द फिर साहब, हमारे साहब कौन है, हमारे गरीब निवाज कौन है, राम जी। श्री तुलसीदास जी महाराज सबके भाव का सम्मान करते हुए अपनी निष्ठा में रहते हैं। और श्री तुलसीदास जी का बड़ा ऋण है हम लोगों पर। श्री कबीरदास जी अपनी आत्मानंद की ब्रह्मानंद की मस्ती में रहे, माता मीरा विरह के गीत गाती रही, सूरदास जी ने लीला गाई भगवान की, पर श्री तुलसीदास जी ने इसके साथ साथ एक अनूठा काम किया। क्या? कहता रहा कबीरा अपनी, कहता रहा कबीरा अपनी, मीरा सूर विरह के मारे, पर हिंदू को दिए तुम्हीने जन रक्षक रघुपति रखवारे। उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, अपने भी गरीब रिवाज है। कौन है? राम जी। सरल सबल साहिब रघुराज। लेकिन एक बात और कही, क्या? राम जी को गरीब नवाज कहा मानस में और विनय पत्रिका में, नाम गरीब निवाज नाम को you
अच्छा एक बात सोचो, तो गरीब कहते किसे? तो एक सहज परिभाषा यह है कि जिसके पास धन ना हो वह गरीब, जिसके पास धन ना हो वह गरीब है, और धन मिल जाए तो उसकी गरीबी दूर हो जाए। पर अगर व्यक्तियों को, असहाय लोगों को तुलसीदास जी गरीब की दृष्टि से देखते हैं तो फिर धन कौन सा है? धन क्या है? श्री सूरदास जी ने कहा, जो तू राम नाम धन धर तो, राम नाम धन धर तो, जो तू राम नाम धन धर तो। राम नाम का धन इकट्ठा किया होता तो तुम गरीब न रहते, और ये धन गरीबी दूर नहीं कर सकता। भजन का धन ही मन की गरीबी दूर करेगा, और भजन का धन मन की गरीबी नहीं तन की भी गरीबी दूर करता। एक ही साधे सब सधे, ये धन है। अच्छा सूरदास जी कहते हैं ये धन है, और तुलसीदास जी से पूछा, आप बताओ श्री राम नाम आपके लिए क्या है? का राम नाम हमारे लिए मणि। पायो नाम चारु चिंता मणि। अच्छा और एक जगह, और राम नाम मणि दीप धर मणि, और मणि अत्यधिक कीमती मानी जाती है, धन का ही रूप है। मैं इसे एक बार चर्चा कर रहा था कि मणि धन का रूप है मणि। तो एक सज्जन मुझसे बोले, बोले हो सकता है वो मणि शब्द ही आजकल अंग्रेजी का मनी हो गया, मणि मनी। हमका आपकी अपनी भावना है, लेकिन इतना जरूर है कि राम नाम मणि है, राम नाम चिंता मणि है, और जिन्हें मणि समझ में ना आवे वे अपने मन को समझा लें कि आजकल की भाषा में भी राम नाम ही मणि है। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि राम नाम मणि, सूरदास जी कहते हैं कि अगर ये होता जो तू राम नाम धन धरतो तो पछिलो जन्म आगिलो तेरो दो जन्म सुधरतो, हो तो नफा साधु की संगत भगत नाम तेरो परतो, तंदुल घेरत समर श्याम को संत परोसो करतो। तो इस धन के कारण ही, अच्छा एक बात था, किसी राजा महाराजा के कोई गरीब आदमी जाना चाहे तो राजा को भले ही कठिनाई ना हो पर राजा के सेवक ही नहीं घुसने थे, प्रवेश नहीं करे, जाना इस तरफ तमाम चलो, और बेचारे की राजा तक तो खबर भी नहीं पहुंच पाती। पर एक बड़े विद्वान पंडित जी थे, अत्यंत निर्धन थे, सोचने लगे राजा के पास जाएंगे तो कुछ मिल जाएगा। गए और उनकी जो दशा देखी, मैले पुराने फटे चिथड़े कपड़े दुर्बल देह, सेवकों का कैसे आए चलो, ऐसे वैसे लोग नहीं जा सकते, खास लोग ही जा सकते हैं। तो पंडित जी बोले, हम उनके खास ही हैं, खास हो हाँ, रिश्तेदारी है हमारी उनकी, आप कौन है उनके? तो पंडित जी ने बड़ी युक्ति के साथ एक बात कही कि हम उनके ऐसे रिश्तेदार हैं कि हमारी और उनकी ससुराल एक ही घर में है। महाराज की ससुराल एक ही घर में, किसी को हो सकता है कि भाई हो, लगता तो नहीं है।